उस हुजरे में अम्मा ऐशा बैठी हुई है, तिलावत मजीद कर रही है। तिलावत में इतनी मगन है कि आका दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, पहले मामूल ये होता था, आका आते अम्मा ऐशा खड़ी होकर इस्तकबाल करती, मगर आज आका तशरीफ ले आए हैं, अम्मा ऐशा इतनी मगन है पता ही नहीं चला कि आका आए हैं। आका आए और बोले ऐशा, अब ऐशा उम्मुल मोमिनीन ऐशा सैयदा ऐशा, आप जाती है और कहती है या रसूल अल्लाह कहीं बेअदबी तो रही हो गई, मैं कुरान की आयत से मगन थी। आका ने कहा कौन सी आयत और मगन क्यों थी? आका मैं सूरह यूसुफ पढ़ रही थी, वहां पर लिखा हुआ था वक्त तारा आ गया हुआ कि उन्होंने अपने हाथ काट दिए, यूसुफ को देखा अपने हाथ काट दिए, यूसुफ को देखा अपने हाथ काट दिए। आका मैं सोच रही थी अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से दिए, 99 आपको दिया, एक यूसुफ को मिला, यूसुफ को एक हिस्सा मिला और तूने देखा हाथ काट दिए। आका मैं मदीने में देखती हूँ, आपको लोग भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, आका आपको औरतों ने भी देखा है, ज़ियारत औरतों ने भी की है, आका मैंने तो नहीं सुना कभी किसी ने अपने हाथ काटे हो। आका आप तो हसीनो जमील है। आका ने कहा ऐसा एक बात करूं, यूसुफ महबूब था जुलेखा का और मैं महबूब हूँ खुदा का। महबूब छुपाए जाते हैं, महबूब दिखाए नहीं जाते, महबूब छुपाए जाते हैं, महबूब दिखाए नहीं जाते। बस जब खुदा ने मेरे नूर को पैदा किया तो उस वक्त 70,000 हिजाबात ऊपर डाल दिए ताकि महबूब को जैसा मैंने बनाया वैसा देख ही कोई ना सके। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ खुदा की गैरत ये डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां मैं बन जाते तू लाऊ जो इतनी उठता हिजाब तेरा, तू शाहे कुबा तू जाने जाना है चेहरा उकुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। आदाब अलीकार, आज इस महफिल की वसात से अपनी औलाद को मदीने पहुंचाऊंगा और कहूंगा अम्मी ऐशा उम्मुल मोमिनीन ऐशा आका की आका के घर की जीनत ऐशा, अगर तू आज देख सकती तो ये जमन शाह अलिया को सुल्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग ऐलान कर रहे हैं। उसने यूसुफ पे कटी, उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंकुश ने लगा, उसने यूसुफ को देखा था जनानियों ने हाथ कटा दिए थे, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंकुश ने लगा, अरे सर कटाते हैं आका के नाम पे मर्दारे अरब, सर कटाते हैं आका के नाम पे मर्दारे अरब। ऐ अम्मी ऐशा अगर तू देख सके तो देख, जब नबी की अजमत का सवाल आया, जब नबी की गैरत पर हमला हुआ तो गाजी इल्म बिन शहीद की आवाज गूंजी, निमाज अच्छी रोजा अच्छा हज अच्छा जकात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक मकबरों खा जाए जसरत की इज्जत पर खुदा शाहिद मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। अम्मी ऐशा अगर तेरे नबी की इज्जत पर डाका हुआ तो गाजी मुमताज शहीद की आवाज आई, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, तेरे नबी से तेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आज आज ऐसे ये बेईमान